तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये है टेक्नो ब्रांड की तरफ से फैंटम X2 5G स्मार्टफोन। ये फोन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, इसका बस X1 मॉडल ही इंडिया में लॉन्च हुआ था। वैसे आप लोगों को पता है टेक्नो की ब्रांड्स बहुत अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं बजट रेंज में। ये फोन टेक्नो की आज तक की प्रीमियम एंड फ्लैगशिप फोन है। फैंटम X को ही देख लो, 25,000 की प्राइस रेंज में कर्व्ड डिस्प्ले दे रहा है। आज तक कोई भी ब्रांड नहीं है जो 25,000 में कर्व्ड डिस्प्ले देता होगा। रियलमी 10 प्रो प्लस अलग बात है, वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उससे पहले ये फोन लॉन्च हुआ था। सो इस वीडियो में फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले एंड कुछ मैं आप लोगों को स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊंगा एंड कैमरा के अंदर कैसा परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस में कैसा ये फोन, सब कुछ मैं आप लोग इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं। सो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है टेक्नो की बॉक्स जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स है एंड बॉक्स के अंदर आपको पहला चीज फोन मिल जाती है जो कर्व डिस्प्ले के साथ आती है एंड मेरे हिसाब से यह महंगा फोन भी है। एंड उसके बाद आपको 45 वॉट फास्ट चार्जर एडाप्टर मिल जाती है, USB A टू टाइप सी का केबल है एंड खास बात यह कि इस फोन के अंदर आपको ईयरफोन भी मिल जाती है। मतलब गाइस, आजकल सभी ब्रांड्स ईयरफोन देना बंद कर चुके हैं लेकिन टेक्नो ब्रांड आपको अभी तक ईयरफोन दे रहा है, वो भी टाइप सी हेडफोन। इसका मतलब आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलने वाली है एंड आपको सिम इजेक्टर टूल है एंड कुछ मैनुअल्स है एंड आपको फोन केस में मिलती है जो रबर फिनिश के साथ आती है जो कि आपको प्रीमियम लेवल का क्वालिटी एंड फीलिंग्स देता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले के अंदर आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है एंड ब्राइटनेस लेवल के अंदर आपको 700 nits ब्राइटनेस लेवल है। मतलब आपको हार्ड सनलाइट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी फोन की डिस्प्ले विजिबल होने वाली है हार्ड सनलाइट में भी। एंड चिन एंड बेजल साइज में गाइस आपको 93.29% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलती है। मतलब चिन एंड बेजल साइज में आपको काफी पतली देखने के लिए मिल जाएगा एंड सबसे मेन चीज है कि गाइस इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 चिपसेट है जो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। आपको एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाती है। मतलब आपको गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी नहीं है, आप गेमिंग हेवी गेमिंग कर सकते हो उस फोन के अंदर, आपको कोई लैग इशू ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड रैम एंड स्टोरेज के अंदर आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज मिलती है जिसका टाइप आपको UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है एंड बैटरी के अंदर भी आपको काफी अच्छा बैकअप है। 5160mAh की आपको बैटरी बैकअप है जो 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड कैमरा के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है जिसके अंदर आपको 64MP का मेन कैमरा है नीचे वाला एंड आपको 2MP का डेप्थ सेंसर है एंड 13MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल एंड मैक्रो लेंस है। मतलब आपको दोनों चीज एक ही कैमरा के अंदर मिलती है 13MP के अंदर, जो मान लो कि आप किसी ऑब्जेक्ट के पास क्लोज जाते हो तब वो कैमरा मैक्रो लेंस के साथ कन्वर्ट होती है। सो गाइस, अब हम करेंगे इस फोन की कैमरा टेस्ट। मेन कैमरा की सैंपल फोटोज आप यहाँ पर देख सकते हो। डेलाइट के अंदर आपको काफी अच्छा फोटोज आती है इस फोन के अंदर। वैसे भी डेलाइट में आपको सभी फोन्स के अंदर काफी अच्छा फोटोज ही आती है लेकिन दिक्कत आती है लो लाइट के अंदर। इस फोन के अंदर आपको नाइट मोड एंड सुपर नाइट मोड की फीचर भी है जो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। सैंपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो एंड आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटो निकालना चाहते हो तो आपको ट्राइपॉड मोड का ऑप्शन भी है जिसके अंदर 30 सेकंड का टाइम लगती है एक फोटो निकालने में एंड फोटो भी काफी अच्छी आती है लो लाइट में। एंड आपको वीडियो फीचर में आपको 4K 60fps का फीचर मिलती है। मतलब आप एक्सट्रीम क्वालिटी में आप 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यह है ऑटो फोकस मोड 4K 60fps में। ऑटो फोकस मोड काफी डिले है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है लेकिन क्वालिटी के अंदर आपको कोई कमी नहीं है, काफी अच्छा क्वालिटी देता है। एंड 1080p 30fps में आपको ऑन टाइम ऑटो फोकस मोड मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है एंड क्वालिटी में भी आपको काफी अच्छा क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये जो 13MP का कैमरा है इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल एंड मैक्रो लेंस दोनों साथ में आती है। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के पास क्लोज जाओगे तभी ये कैमरा आपको मैक्रो लेंस की तरह काम करेगा एंड ये मैक्रो लेंस भी आपको 13MP की मिलती है। मतलब आपको कई सारे फोन में देखे होंगे आपको 2MP या 5MP का मैक्रो लेंस मिल जाती है लेकिन इस फोन के अंदर आपको 13MP मिलती है। मतलब क्वालिटी में आपको कोई कमी नहीं है, काफी अच्छा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्लोज में। एंड आप 1080p 960fps में स्लो मोशन वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा है, साथ में आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। आजकल के फोन के अंदर LED फ्लैश लाइट भी गायब हो चुकी है 3.5mm की जैक की तरह लेकिन इस फोन के अंदर आपको LED फ्लैश लाइट मिलती है। एंड आप 1080p 30fps में वीडियो कैप्चर भी कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस के अंदर बोलना चाहो तो गाइस आपको डायमेंसिटी 9000 चिपसेट है, उसका अंतु स्कोर आपको 962000 प्लस आपको स्कोर मिल जाती है एंड गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा है। BGMI में आपको स्मूथ प्लस 90fps का सपोर्ट है, HDR प्लस 60fps है एंड अल्ट्रा HD प्लस 40fps का सपोर्ट भी है।
सो आप गेमिंग के अंदर काफी अच्छा ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। सो आप गेमिंग के लिए इस फोन को खरीद सकते हो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। ओवरऑल बताओ तो ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है गेमिंग के लिए एंड कैमरा के लिए भी, लेकिन कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकती है, जैसे कि आपको ऑटो फोकस मोड में थोड़ा डिले लगती है 4K 60fps में, एंड आपको पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी लगती है। एंड ये सब चीजें अगर फ्यूचर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, बाकी फीचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये थी गाइस आज के इस वीडियो पे टेक्नो फैंटम X2 की स्पेसिफिकेशन, कैमरा रिव्यू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको एक टेक्नो पोवा फैंटम X2 प्रो की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी ला दूंगा। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।